सभी को सुप्रभात। तो बच्चों आज की हिंदी अवधी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या करते हैं, नुक्ता अभ्यास के बारे में क्या करेंगे और एक बार पुनरावर्तन करते हैं। तो आज हमारा पाठ कौन सा है, पाठ 12 नुक्ता का अभ्यास। तो बच्चों नुक्ता के बारे में बताने से पहले हम क्या करते हैं, पहले शब्द मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं उनके अर्थ के बारे में हम क्या करते हैं पहले जानते हैं। तो चलिए पहले शब्द अर्थ की ओर बढ़ते हैं। जल, जल का अर्थ क्या है बच्चों, पानी, वाटर। जल का अर्थ है पानी, वाटर। सफाई, सफाई का अर्थ है क्लीनिंग। सफाई CLEANING क्लीनिंग। तो रंगीन, रंगीन का अर्थ क्या है बच्चों बताइए, सही कलर। डेकोरेशन। तो बच्चा शब्द आपको समझ में आ गया है ना। तो पहला क्या है, जल पानी वाटर, सफाई क्लीनिंग, रंगीन कलर, कागज पेपर, फूल फ्लावर, पुष्प भी हम कहते हैं, मंदिर टेम्पल, सजावट डेकोरेशन। तो बच्चों शब्दार्थ को आपने जाना ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं, तो नुक्ता का अर्थ क्या है इसके बारे में हम क्या करते हैं जानते हैं। नुक्ता ये शब्द क्या है, नुक्ता अरेबिक लैंग्वेज से आया हुआ शब्द है। तो अरेबिक भाषा से क्या हुआ है, नुक्ता शब्द आया हुआ है। उसका हिंदी में अर्थ है बिंदु। तो हम क्या करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं ना। हम व्यंजन के ऊपर लगाने पर हम बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, जब हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली थी तब हमने चर्चा किया था, व्यंजन के ऊपर लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु। इसका हमने उपयोग किया था ना। मगर नुक्ता में क्या होता है, व्यंजन के नीचे लगता है। तो कौन से व्यंजन, देखिए व्यंजन है ना, व्यंजन अक्षर, तो इसके नीचे जो बिंदु लगती है ना उसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता। तो ये नुक्ता अरेबिक लैंग्वेज से आया हुआ शब्द के नीचे लगाने वाला क्या है, बिंदु है। तो जो बिंदु व्यंजन के नीचे लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो बच्चों कौन से लैंग्वेज से आया है, अरेबिक लैंग्वेज से आया हुआ है। तो नुक्ता का अर्थ हम हिंदी में क्या कहते हैं, जो व्यंजन के नीचे लगता है ना उसे नुक्ता कहते हैं, उसे बिंदु भी हम कहते हैं, व्यंजन के नीचे लगता है। तो बच्चों को नुक्ता का अर्थ समझ में आ गया है ना। तो बच्चों को समझ में आ गया है ना कि नुक्ता यह अरेबिक भाषा का शब्द है। अरे
अरेबिक लैंग्वेज वर्ड। तो नुक्ता कहाँ पर लगाते हैं आप? व्यंजन के नीचे लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गए है ना? तो बच्चों नुक्ता एक क्या है? अरेबिक भाषा से आया हुआ शब्द है। इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो बच्चों आप हम आज क्या करते हैं? नुक्ता कहाँ पर लगता है? लगने पर, नुक्ता के लगने पर उच्चारण में जो बदलाव बनी, नुक्ता लगने पर क्या होता है? उच्चारण में अलग तरीके से हम उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो उसके अंदर को हम क्या करते हैं आज के अवधि में चर्चा करते हैं। तो बच्चों हम उदाहरण के साथ क्या करते हैं, किस पर नुक्ता का उच्चारण का विपरीत अर्थ होता है और कहां पर हम नहीं लगा दे और कहां पर लगाते हैं, किन शब्दों पर देखते हैं। तो चलिए पहले उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ज से जा, तो क्या है? ज से जब शब्द है। वैसे ही हम क्या करते हैं? ज से जरा। तो हमने क्या किया? नुक्ता, नुक्ता का इस्तेमाल कर दिया ना। तो इधर देखिए ज से जा, तो ज से जरा। तो हम क्या करते हैं? मुंह से ज्यादा क्या करते हैं? गले का इस्तेमाल करते हैं। जरा मुंह के उच्चारण से अधिक हम किस पर ध्यान देते हैं? गले से निकली हुई आवाज को क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। तो यहाँ जब तो आसानी से हम बोल गए ना मुंह से जब, पर यहाँ पर हम उच्चारण करते वक्त क्या करते हैं? जरा। तो गले का इस्तेमाल हुआ ना, ध्वनि में उच्चारण में क्या हुआ? थोड़ा सा अंतर आ गया ना यहाँ पर, जब जरा। तो उच्चारण में बदलाव परिवर्तन हुआ ना, तो जरा। तो नुक्ता लगने पर क्या हुआ? जरा। नहीं तो हम क्या पढ़ते थे? जरा जरा, उच्चारण अलग तरीके से आने लगा ना। तो वैसे ही देखिए फल, फल से फल। तो नुक्ता लगाने से, नुक्ता का इस्तेमाल करके सफाई। तो सफाई, तो हम क्या करते हैं? सफाई। तो उच्चारण बदल जाता है ना, नुक्ता लगाने से क्या होता है? परिवर्तन आता है। तो देखिए ड, डर से डर, डर भयभीत होना, फियर, डर। तो नुक्ता लगाकर हम कैसे उच्चारण करते हैं देखिए। ड नुक्ता, नुक्ता का अक्षर देकर हमें क्या किया? व्यंजन के नीचे नुक्ता लगाकर साड़ी थी। तो हम क्या करते हैं? गले से आवाज को निकालते हैं ना, हम क्या करते हैं? साड़ी नहीं कहते, साड़ी। तो उच्चारण में परिवर्तन हुआ ना। तो ध, ध से ढलना, ध से ढलना, ध से काढ़ा। तो व्यंजन के नीचे नुक्ता आने से उसका उच्चारण परिवर्तन होता है ना, काढ़ा, काढ़ा। तो उच्चारण हम क्या करते हैं? अलग तरीके से करते हैं ना। तो देखिए जैसे कि ज से जमाना, तो ज नीचे नुक्ता बिंदु को लगाया, परिवर्तन करके हमने
जमाना। तो देखिए ज से जमाना, तो जमाना यानी इकट्ठा करना, तो जमाना। तो यहाँ पर अर्थ क्या होता है? जमाना। तो हम उच्चारण करते हैं ना जमाना, तो जमाना का अर्थ क्या है? दुनिया। यहाँ पर दुनिया अर्थ होता है, दुनिया को हम क्या कहते हैं? जमाना। तो उर्दू शब्द में हम क्या करते हैं? उर्दू भाषा के कुछ शब्दों को, कुछ मात्राओं को हमने क्या किया? हमारे हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया। हमारी भाषा में क्या किया? उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ऐसे सारे भाषाओं के कुछ शब्दों को हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ना। हमारी हिंदी देवनागरी लिपि है, फिर भी कुछ शब्दों का प्रभाव क्या है हमारे हिंदी में भी हम क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा में हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं उन शब्दों का। तो उनके उच्चारण, सही उच्चारण के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या है? जमाना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? नुक्ता लगाकर जमाना, जमाना। तो परिवर्तन होता है ना इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में। तो अंतर आपको समझ में आ रहा है ना? नुक्ता का अर्थ आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। नुक्ता के व्यंजन के साथ हम क्या करते हैं? शब्द को लिखते हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। तो उच्चारण देखिए यहाँ पर ज, तो रा। तो यहाँ पर देखिए नुक्ता का हमने क्या किया? व, राज। तो इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में अंतर है ना? तो हम यहाँ क्या करते हैं? राज। तो राज का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? शासन। तो यहाँ पर देखिए राज, तो इस राज का अर्थ क्या होता है? रहस्य। तो अंतर आपको उच्चारण में समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो यहाँ पर हम इस शब्द का क्या कहते हैं? राम, शासन। तो यहाँ पर राज, तो क्या है? रहस्य। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। खुदा। देखिए खुदा, यहाँ पर खुदा का अर्थ क्या होता है? खोदना। तो यहाँ पर देखिए नुक्ता से उपयुक्त शब्द खुदा, खुदा। तो हम खुदा, इसका अर्थ क्या है? भगवान। तो खुदा भगवान को हम क्या कहते हैं? खुदा। तो यहाँ पर खुदा, तो खोदना। अंतर आपको समझ में आ गया है ना? नुक्ता लगाने से शब्दों में उच्चारण में जो उच्चारण में जो परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता का इस्तेमाल कर परिवर्तित हुआ शब्द कहते हैं। अंतर आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आज हमने क्या देखा? नुक्ता कहाँ पर लगता है? तो देखिए बच्चों, को ध,
के बारे में नहीं सीखा था, क्योंकि हम ऐसे ही हिंदी भाषा की वर्णमाला को क्या करते थे, सीखते थे। मगर कुछ शब्दों को हमने क्या किया, नव निर्मित शब्दों को हमने क्या किया है, नव निर्मित ध्वनि, नवीन विकसित ध्वनि, आगत ध्वनि, आगत स्वर, ऐसे हम क्या करते हैं उनको अलग करते हैं। तो ये सभी क्या है, आगत ध्वनियां है। आगत यानी आने वाले, दूसरे भाषाओं से आने वाले शब्दों का इस्तेमाल हम अपने हिंदी भाषा में भी करते हैं ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां भी कहते हैं। तो जो नीचे व्यंजन के नीचे लगता है उसे नुक्ता कहते हैं, इसे हम बिंदु भी क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में कहते हैं। तो नव विकसित वर्ण या व्यंजन, तो हम इन दोनों को नव विकसित वर्ण या व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों नुक्ता के बारे में आपको समझ में आ गया ना, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पाठ में आए हुए शब्द नुक्ता लगाने से कैसे परिवर्तन होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। राजू जरा, राजू जरा जल लेकर, जल लेकर आओ, जल लेकर आओ। आज 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 सफाई है, रंगीन कागज, रंगीन कागज, रंगी कागज से, रंगी कागज से सजावट करो, रंगी कागज से सजावट करो। ढाल, ढाल से फूल, ढाल से फूल तोड़कर, फूल तोड़कर लाओ, लाओ। माला बनाकर, माला बनाकर, माला बनाकर दलिया में, माला बनाकर दलिया में ढक कर, ढक कर रखो, ढक कर रखो। घर पर जाकर, घर पर जाकर मंदिर, मंदिर मंदिर में, मंदिर में माला चढ़ाओ, मंदिर में माला चढ़ाओ। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, तो देखिए वाक्य को मैं और एक बार दोहराती हूँ, तो ध्यान से क्या कीजिए, आप भी इनको दोहराइए।
परिवर्तन होता है ध्यान से देखिए। राजू जरा, तो यहाँ पर नुक्ता बिंदु मैंने लगा दिया, तो अब पढ़िए राजू जरा जल लेकर आओ। आज सफाई सफाई भी करनी है, तो सफाई को के नीचे बिंदु मैंने लगाया, तो इसे नुक्ता कहते हैं ना। तो अब पढ़िए आज सफाई भी करनी है, सफाई। तो फ का उच्चारण परिवर्तन हुआ ना, तो यहाँ पर जरा सफाई उच्चारण में अंतर आ गया है ना। तो अगला शब्द देखिए रंगी कागज, तो रंगी नुक्ता लगा दिया बिंदु, हम बिंदु भी कहते हैं, व्यंजन के नीचे लगाया ना, ज़ के नीचे कागज कागज, तो परिवर्तन हुआ ना नुक्ता लगाने पर, से सजावट करो, रंगी कागज से सजावट करो। धान से फूल तोड़कर लाओ, तो क्या करना है, धान से फूल तोड़कर लाओ, तो यहाँ पर क्या होता है, नुक्ता नहीं लगता है, तो कहाँ पर लगता है, तोड़कर तोड़कर लाओ। तो अंतर समझ में आ रहा है ना, धान से फूल तोड़कर लाओ, धान का मतलब है ब्रांच, तो धान से क्या करना है, फूल तोड़कर लाना है, फूल का अर्थ है फ्लावर, तोड़कर क्या करना है, फ्लावर तोड़कर फ्लावर्स लाओ। तो अगला देखिए माला बनाकर डली में ढक कर रखो, तो माला कहाँ पर रखना है, धरी में ढक कर रखना है। तो देखिए अगला घर पर जाकर मंदिर में माला चढ़ाओ, कहाँ पर जाकर क्या करना है, माला को मंदिर में जाकर माला को चढ़ाना है ना, तो घर पर जाकर मंदिर में माला चढ़ाओ चढ़ाओ। तो उच्चारण में आपको परिवर्तन समझ में आ गए ना बच्चों, तो आज हमने क्या देखा, नुक्ता, नुक्ता का अभ्यास में नुक्ता हम कहाँ पर लगाते हैं, व्यंजन के नीचे जो बिंदु देते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना, नुक्ता लगाने पर उच्चारण में परिवर्तन होता है। तो चलिए व्यंजनों के नीचे नुक्ता व्यंजनों के नीचे नुक्ता लगाने से उच्चारण में अंतर आ जाता है, उच्चारण में अंतर आ जाता है। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, जब भी व्यंजन के नीचे क्या होता है, नुक्ता लगाने से उच्चारण में क्या होता है, प्रोनाउंस करते हैं ना, उसमें अंतर आता है ना, तो आपको याद रखना है नुक्ता लगने पर क्या होता है, उच्चारण परिवर्तन होता है, अंतर आ जाता है। तो ध्यान से क्या कीजिए,
नुक्ता पर आप ध्यान से मैंने जो भी आज आपको बताया ना उसको क्या कीजिए, याद कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको नुक्ता के बारे में समझ आ गया होगा। तो बाकी का हम क्या करते हैं, अब अगले अवधि में हम क्या करते हैं और एक बार से दूसरे अभ्यास कार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या कीजिए, ध्यान से इनको पढ़िए और लिखिए और ध्यान रखिए नुक्ता कहाँ पर लगता है और किस व्यंजनों के नीचे लगता है, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। तो देखिए क ख ग व फ इनके नीचे नुक्ता लगता है और उसके साथ क्या है ध ध के नीचे भी क्या लगता है, नुक्ता लगता है। तो ये क्या होते हैं, उच्चारण में अंतर लेकर आते हैं। जब भी हम शब्द पढ़ते रहते हैं उच्चारण में अंतर सा आ जाता है। इन सभी को क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां कहते हैं। तो आगत का अर्थ है आने वाले, दूसरे भाषाओं से आने वाले शब्द क्या होते हैं, हम क्या कहते हैं, ये क्या है नुक्ता, दूसरे भाषाओं से आए हुए शब्द या व्यंजनाक्षर कह सकते हैं। तो दूसरा हमारे भाषा में क्या है, अंग्रेजी के शब्दों का भी हम उपयोग करते हैं, वैसे पारसी उर्दू भाषाओं के शब्द को भी हम क्या करते हैं अपनी भाषा में सम्मिलित करके हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो बच्चों समझ में आ गए ना, तो आज आपका गृह कार्य है रीड एंड राइट सेम एज क्लास वन वन टाइम। तो बच्चों आपको क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ते हुए लिखना है। तो आज की अवधि में बच्चों सिर्फ इतना ही, बाकी काम क्या करते हैं कल के अवधि में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।